गुड इवनिंग दोस्तों, टुडे इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेज सब्जेक्ट में आई एम गोइंग टू टीच यू किचन गार्डनिंग ग्रह वाटिका। व्हाट इज किचन गार्डनिंग, व्हाट इज किचन गार्डनिंग क्या है? व्हेन गार्डनिंग और कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इज डन फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्रेश वेजिटेबल फॉर फैमिली यूज इट इज़ नोन एज किचन गार्डनिंग। जब सब्जियों खेती केवल पारिवारिक के सब्जी आपूर्ति के लिए, ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति के लिए की जाती है खेती, तो हम इसे हम किचन गार्डनिंग कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज होम गार्डन और न्यूट्रिशन गार्डनिंग बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रियस वेजिटेबल, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूट्रिशन गार्डन। इट मे बी आल्सो डिफाइंड एज ए स्मॉल एरिया ऑफ ग्राउंड और पार्ट ऑफ ए गार्डन वेयर यू ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर ओन यूज, अपने प्रयोग के लिए। जब हम सब्जियों तथा फलों की खेती छोटे स्केल में घर में करते हैं तो उसे हम किचन गार्डनिंग कहते हैं। द बेसिक कंसीडरेशन इन किचन गार्डन आर, जो हमारी मुख्य या आधारभूत अपनाने योग्य चीज़ें हैं किचन गार्डनिंग में, वो ये हैं चॉइस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, परिवार की चॉइस के हिसाब से सब्जियां उगाते हैं। नेक्स्ट टू मीट डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेजिटेबल, डेली जो रिक्वायरमेंट हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता की सब्जियों की पूर्ति हो, ग्रोइंग ऑफ न्यूट्रिटिव एंड लीफी वेजिटेबल, ऐसे सब्जियों को उगाना जो कि पोषक तत्वों से भरपूर तथा पत्तियों वाली सब्जियों को विशेष करके उगाना, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, ऐसी सब्जियां उगाना जिसमें किसी तरह के इंसेक्टिसाइड कीटनाशक अथवा पेस्टिसाइड का यूज ना हुआ हो, ग्रोइंग ऑफ रेयर और स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेबल, ऐसी सब्जियों को उगाना जो बाजार में उपलब्ध नहीं होती उस समय पे तथा कभी कभी उपलब्ध होती हैं, विशेष तरह की सब्जियों को उगाना। लेआउट ऑफ किचन गार्डन, गार्डन जो है किचन गार्डन का रेखांकन कैसे करें, इन ऑर्डर टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल्स 300 ग्राम पर हेड पर डे, इन विच 125 ग्राम ट्यूबर एंड रूट वेजिटेबल्स, 75 ग्राम लीफी वेजिटेबल्स एंड 200 ग्राम ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स आर रिक्वायर्ड इन ए बैलेंस डाइट। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक बैलेंस डाइट के लिए जो पूर्ण आहार है उसके लिए हमें 300 ग्राम मिनिमम पर हेड वेजिटेबल की आवश्यकता होती है। इन ऑर्डर टू मीट डेली नीड ऑफ वेजिटेबल इट इज एसेंशियल टू ग्रो द वेजिटेबल बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग कंसीडरेशन, और हमें इस जो रिक्वायरमेंट है इसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, लोकेशन एंड साइट ऑफ फील्ड, कहाँ पे हमें उसको किचन गार्डनिंग बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट लेआउट ऑफ फील्ड, रेखांकन फील्ड का रेखांकन, काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एंड देयर वेराइटीज, किस तरह की सब्जियां हम उगाएं और उनकी कौन सी प्रजातियां उगाएं। जैसे फ्रूट वेजिटेबल के लिए अगर आप गमले में लगा देते हैं निश्चित रूप से एक पेड़ से आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड, और जब ज़मीन में उगाते हैं तो उसको हम कैसे ढंग से अरेंजमेंट करें कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त कर सकें। पेरिनियल वेजिटेबल्स भी, जैसे एडॉप्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन और फसलों को हेर फोर के करके बोया जाए जिससे हमारी भूमि की सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। कंपोस्ट पिट एंड पाथ, तथा जो कंपोस्ट पिट है खाद का गड्ढा कहाँ पे बनाए तथा रास्ते किस प्रकार से, ये सब लेआउट रेखांकन हमें पेपर पे बना लेने चाहिए और इसके बाद जब हम बनाते निश्चित रूप से हमारा किचन गार्डन बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट स्टेप है साइज एंड लोकेशन ऑफ द किचन गार्डन फॉर फैमिली ऑफ फाइव मेम्बर्स एडल्ट एंड यंग, जिसमें कि वृद्ध तथा जवान दोनों शामिल होते हैं। 250 टू 300 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड टू ग्रो वेजिटेबल्स, इसके लिए अगर पांच लोग परिवार में हैं एडल्ट और यंग मिला करके तो करीब 250 से 300 स्क्वायर मीटर लैंड जो है सफिशियंट है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वेथ शुड बी इन रेशियो ऑफ 3:2, लेंथ और वेथ लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होना चाहिए वो 3:2 होना चाहिए। द आइडियल शेप ऑफ ईच बेड शुड बी रेक्टेंगुलर,
जो हमारी बेड होनी चाहिए, क्यारियाँ बनाते हो आयताकार बनाएं तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो फील्ड वर्क है वो करने में, होइंग और वीडिंग करने में या इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने में हमें सुविधा रहेगी। ईच बिट शुड बी कनेक्टेड विद इरिगेशन चैनल, और प्रत्येक बिट को हमें सिंचाई की नाली द्वारा कनेक्ट कर देना चाहिए। इट इज़ डिजायरेबल टू प्रिपेयर लेआउट मैप ऑन द पेपर विच विल हेल्प इन वर्किंग आउट द क्रॉपिंग स्कीम। निश्चित रूप से अगर हम पेपर में पहले रेखांकन बना लेते हैं तो हमें जो शस्य योजना है फसल उगाने के लिए उसे करने में बहुत आसानी होगी। लोकेशन ऑफ द किचन गार्डन, कैसे हम लोकेशन सेलेक्ट करें, द लोकेशन ऑफ द किचन गार्डन विल डिपेंड ऑन द लोकेशन साइज ऑफ द रेजिडेंस एंड ओपन स्पेस फॉर वेजिटेबल्स। हमारा जो लोकेशन है, जो स्थित है किचन गार्डन की रहवट के, वो डिपेंड करती है रेजिडेंस कितना बड़ा है या उसके लिए ओपन स्पेस कैसा है। एज फार एज पॉसिबल द लोकेशन शुड बी वेरी क्लोज आर अटैच विद द रेजिडेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसीलिए इसे किचन गार्डन गया है, तो कोशिश करके हम जहाँ रहते हैं हमारा जो रेजिडेंस है उससे लगा हुआ होना चाहिए। द सेलेक्टेड साइट शुड बी फ्री फ्रॉम लार्ज ट्रीज आर बिल्डिंग, बहुत बड़े पेड़ वगैरह हो नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब्जियाँ जो होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट मोस्टली होते हैं। कुछ प्लांट को छोड़ करके, जैसे टोमेटो वगैरह है, वो डे न्यूट्रल प्लांट होता है, तो इस प्रकार से उसमें किसी प्रकार की पेड़ों की छाया वगैरह नहीं पड़नी चाहिए आर बिल्डिंग, सो दैट क्रॉप कुड रिसीव सनलाइट फॉर 6 to 8 आवर्स एवरी डे, जिससे कि 6 से 8 घंटे पर्याप्त धूप पौधों को मिल जाए। सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, मैक्सिमम एरिया शुड बी गिवन टू लीफी वेजिटेबल। जैसे कि आप लोग जानते हैं लीफी वेजिटेबल में आयरन, कैल्शियम और इस प्रकार से लगभग सभी पोषक तत्व, विटामिन ए भी बहुत अच्छा होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से, तो इस प्रकार से विटामिन ए की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से लीफी वेजिटेबल को मैक्सिमम एरिया देना चाहिए। दिस विल इनेबल टू गेट वेजिटेबल्स ऑफ वन काइंड फॉर लार्ज फैमिली। अगर बहुत बड़े परिवार है तो निश्चित रूप से एक तरह की सब्जी हमको ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और अवेलेबल हो जाएगी। सेलेक्टेड वेजिटेबल वेराइटीज व्हिच आर नोन फॉर हाई यील्ड, ऐसे प्रजातियों का चयन करना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन मिल सके, यानी फ्री फ्रॉम पेस्ट डिजीज तथा वो इंसेक्ट और डिजीज के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली हो, रेसिस्टेंट होनी चाहिए। सेलेक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज, ऐसे वेराइटीज़ को सिलेक्ट करनी चाहिए जो कम अवधि में उत्पादन देने वाली है, अर्ली मैच्योरिंग तथा जल्दी मैच्योर होने वाली वेजिटेबल हो, एंड लेट वेराइटीज़ फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट, तथा लेट वेराइटीज़ भी सेलेक्ट करना चाहिए जो कि हमें ज़्यादा ड्यूरेशन तक अवेलेबल हो जाती हैं। सिलेक्ट वेराइटीज व्हिच आर न्यूट्रिटिव एंड पेस्ट आर डिजीज, ऐसे वेराइटीज़ को सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि जिनको कि पोषण युक्त हों, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, चूँकि निश्चित रूप से अगर आप बाजार से सब्जियाँ लेते हैं तो आपको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मिली हुई मिलेगी और निश्चित रूप से केमिकल फर्टिलाइजर मिलेंगी। तो मेन उद्देश्य ये होता है किचन गार्डनिंग के, वी गेट द ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल, सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो इस प्रकार से मैन्योर्स एंड फॉर यूज ऑर्गेनिक मैन्योर्स बीज, जैसे कि FYM फार्म एंड मैन्योर, गोबर की खाद, कंपोस्ट, कैक एंड ग्रीन मैन्योर शुड बी यूज। वर्मी कंपोस्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज करने लगते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। द केमिकल फर्टिलाइजर एंड इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, जैसा हो जितना संभव हो सके इन केमिकल फर्टिलाइजर और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे आर इंजूरियस फॉर हेल्थ। नेवर अप्लाई एनी पेस्टिसाइड 3 to 4 days बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, और जब हम अपने फसल को हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके 3-4 दिन पहले हमने निश्चित रूप से कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के हमें किचन गार्डनिंग करनी चाहिए, निश्चित रूप से हम अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे एंड विल सक्सेस टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड आवर फैमिली हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।